नमस्कार। बिहार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के उत्तर जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान वो लोगों के हालचाल भी जान रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार का जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है वो अभी बाढ़ से ग्रसित है। पानी जो है जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहाँ के जन प्रतिनिधि जो है वो लगातार गायब दिख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर जाकर के लोगों का हालचाल जान रहे हैं और उनकी बातों को जो है ट्विटर के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा भी रहे हैं। ऐसे में उन पे ये आरोप भी लगाया गया था कि वो लगातार जो है इस बार में लोगों से मिलने के बहाने जो है लगातार जमीन रजिस्ट्री का काम करने चले हैं। ऐसा आरोप इसलिए भी लगाया जा रहा है कि उन पे ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी जो है बिहार में अपनी पार्टी के लिए जो है क्षेत्र रक्षण करने में लगे हुए हैं। उन पे ये आरोप लग रहा था कि वो जो है जमीन के बदले टिकट देने की जो राजनीति है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। जिसने इस आरोप को लगाया था वो कोई आम नेता नहीं है, वो जेडीयू के जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललन सिंह है। उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव लगातार जो दौरे पे है इस दौरान वो लोगों से जमीन लेकर के उन्हें टिकट मुहैया करने का आश्वासन दे रहे हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें आपको इंजीनियर बद्री पूर्वे जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन भारत लाइव जो है शांत बैठने वाली टीम नहीं है। भारत लाइव ने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। इंजीनियर बद्री पूर्वे एक्सक्लूसिव भारत लाइव की टीम से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार पे जो है बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जो है वो लगातार झूठ बोल रही है, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि लोग कोरोना काल में त्रस्त हो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो लगातार भारत लाइव की टीम दिखा ही रही है। लेकिन इस काल में जो है नीतीश सरकार जो सत्ता में है वो विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि ये महज सिर्फ और सिर्फ एक आरोप ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बद्री पूर्वे इंजीनियर बद्री पूर्वे ने सारे आरोपों को जो है खारिज किया है भारत लाइव के कैमरे के सामने। और आपको बता दें इंजीनियर बद्री पूर्वे के बारे में बता दें कि वे वही इंजीनियर बद्री पूर्वे हैं जो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। मधुबनी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे, बीआरपी के कैंडिडेट थे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का शिरकत करना पड़ा था, जिसके बाद वो बीआरपी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने राजद का शायद दामन थाम लिया और उनकी प्राथमिक सदस्य भी बन गए थे। तो ऐसे में जो है लगातार जेडीयू जो है हमलावर रही थी। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललन सिंह जो है वो हमलावर रहे थे तेजस्वी यादव पर। उन्होंने एक फोटो जारी करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव जो है बाढ़ के बहाने अपनी चुनावी रणनीति करने के लिए जमीन पे गए हैं, वो जमीन की घेराबंदी करने गए हैं। तो बड़ी खबर अभी की बस यही थी कि इंजीनियर बद्री पूर्वे ने भारत लाइव की टीम से बातचीत के दौरान सारी बातों का खंडन किया है और उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पे हमला बोला है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। हेलो, हाँ इंजीनियर साहब से बात हो रही है? जी जी इंजीनियर साहब, हम भारत लाइव न्यूज बिहार से बाबा बोल रहे हैं। जी जी नमस्कार। नमस्कार, आपसे पहले भी हमारी बातचीत हुई है। एक खबर सर चल रहा है, उसी संदर्भ में आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी हो गया है। जी, खबर ये चल रही है कि जेडीयू के बहुत पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं ललन सिंह, एमपी भी हैं मुंगेर से, उन्होंने एक बयान में कहा है कि आपसे तेजस्वी यादव ने टिकट देने के बदले में जमीन रजिस्ट्री कराया था, ऐसा कुछ है क्या मामला? एकदम ये सरासर गलत बयानबाजी है आदरणीय ललन बाबू का जी। चूंकि ये जमीन हमारे एक रिश्तेदार जी 2018 में सितंबर में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जमीन दिया था दरभंगा के कार्यालय बनाने हेतु जी। और मैं तो चुनाव लड़ा, उस समय तो चुनाव की कोई चर्चा भी नहीं थी 2018 में जी जी जी। और मैं तो चुनाव लड़ा 2019 में, वो भी वीआईपी पार्टी से जी जी। तो यहाँ कहाँ पे बात आ गई तेजस्वी जी को देने का जी जी। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय के नाम से अगर दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जमीन तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी पार्टी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू प्रसाद जी ही है ना जी जी जी। तो स्वाभाविक है कि उसका जो पेपर होगा, जो भी चीज होगा, वो
वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा ना जमा होने के लिए। जी जी, तो ये जमीन वास्तव में किनकी थी सर? जी जमीन किनकी थी? अमित कुमार। अमित कुमार की थी। जी जी, अमित कुमार वो जो है सो उसके दस्तावेज में भी अंकित है जी, जी। जो ललन सिंह जी दिखा रहे हैं जी, वो जो दस्तावेज है उसमें अंकित है और रजिस्ट्री कार्यालय में भी वो अंकित है जी जी जी। तो ये आरजेडी में ही है अमित कुमार जी? अमित कुमार जी वो लोग वहाँ के रहने, लतराहा के रहने वाले, लतराहा जाले जी जी जी, है ना, तो लतराहा स्टेट था उन लोगों का, वो लोग जमींदार व्यक्ति हैं, उनके फादर एक समाजवादी व्यक्ति थे। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, तो लालू प्रसाद जी में आस्था थी तो उन्होंने अपना पार्टी कार्यालय के लिए जमीन दिया। जी 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 जी, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।